جو کرا تمہیں سکھائی ہے اس کا غلط استعمال کبھی مت کرنا. آج تم سب کی ٹریننگ پوری ہوتی ہے. شکریہ. اب یہ بتاؤ کہ تم سب زندگی میں کیا بننا چاہتی ہو؟ میں ایئر ہوسٹس بننا چاہتی ہوں. گرو جی میں ہیروئن بننا چاہتی ہوں. اور تم کیا بننا چاہتی ہو رن؟ میں جاپان میں شاولن کنگ فو سکھانا چاہتی ہوں. دیکھو رن, شاولین سے جانے کے بعد بھی ریاض کرتے رہنا. جی گرو جی, ضرور کروں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ گرو جی. اس نے آتم نینترن کرنا اچھی طرح سیکھ لیا ہے, پر اپنی شکتی پر اس کا قابو نہیں ہے. جو اپنی شکتی پر قابو نہیں کر پاتے وہ بڑی آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں. مجھے اس بات کی بالکل فکر نہیں ہے, کیونکہ وقت اچھے اچھوں کو اپنی شکتی پر قابو کرنا سکھا دیتا ہے. یہ تو رن ہے, میں اس کی فوٹو لے لیتا ہوں. تم سب میں بڑا جوش ہے کیا؟ تم سب شاولن کنگ فو سیکھنا چاہو گے؟ بہت مزیدار ہوتا ہے, سیکھو گے؟ ہاں تم لوگ اسٹرانگ ہو, تم میں وہ بات ہے, جوش بھی ہے تم میں. تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی بتاتی ہوں, چلو اسکول میں. میں تمہیں کنگ فو سکھاؤں گی. کوئی ضرورت نہیں. دادا جی,
हटाओ इसे। I'm very sorry. नहीं पता। मैं मजाक कर रहा था। अरे यार देखो कौन आया है। हमने सॉकर और बीच वॉलीबॉल के लिए बेहतरीन टीम चुन ली है। बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स हैं वो। हमें कायदे कानून को प्रमोट करने के लिए कुछ कॉमिक्स और नॉवेल्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और स्पोर्ट्स पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले हैं। हमने एक बहुत ही अच्छा इंटरनेट सर्वर बनाया है और बहुत ही जल्दी हम अपना एक ब्लॉग भी शुरू करने वाले हैं। ये चार्ट बता रहा है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा। ध्यान से देखिए। इन्वेस्टमेंट को मारो गोली, मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट बस दो ही चीजों में करना चाहिए, पावर में या फिर ब्यूटी में। पावर में इन्वेस्ट करना फायदेमंद नहीं रहा, तो अब सिर्फ एक ही चीज है जहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो है ब्यूटी। अब आप लोग सोचिए कि हम उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीटिंग पूरी हुई, मेरी गाड़ी लेकर आओ। पता नहीं ये कब ठीक होगा, उसकी मरम्मत करते हुए काफी दिन हो गए। मुझे जानना है कि स्कूल बंद क्यों हुआ। मुझे नहीं पता रिंग, बस सब कुछ अचानक हो गया। पर मुझे इस बात का एहसास था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर जिन्हें मेरी तरह एहसास नहीं हुआ होगा उन्हें तो ये देखकर काफी झटका लगा होगा। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा। एक बात मुझे जो याद आ रही थी वो। गुड आफ्टरनून बॉस, उम्मीद है कि आज का आपका दिन अच्छा जाए। मुझे पहचाना, मैं हूँ रिन साकुराज़ावा। कौन? रिन साकुराज़ावा। ओ आप पहचाना तुम्हें, रिन कैसी हो तुम? बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ है पता है आपको? तुम तो काफी बड़ी हो गई हो, कोई दोस्त बनाया क्या? नहीं बनाया तो बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है, जब बोलो हाजिर हूँ। चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो, मुझे एक प्लेट फ्राइड राइस देना। ठीक है सर। छुपे रुस्तम, तुम्हारे हाथ तो बहुत फेस्ट चलते हैं। ये लीजिए। तुम कहो तो तुम्हें भी एक नमूना पेश करूँ क्या? बाहर में जाओ। क्या बड़ी बुरी हालत है वहाँ की? पर ऐसी हालत हुई कैसे? तुम्हें भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लो। लेकिन टीचर, मैं अब तुम्हारा टीचर नहीं रहा, मैंने शाओलिन कुंग फू छोड़ दिया है। क्या
स्कूल, वहाँ इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? इन बातों से अब कोई फायदा नहीं। क्या मतलब कोई फायदा नहीं है? सुनो रेन, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ, फिर तुम चाहो तो यहीं पर रुक सकती हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, स्कूल में रहूंगी। चलती हूँ, बाय। पता नहीं ये लड़की कौन थी है? मुझे भी नहीं पता, पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। मेरे फ्राइड राइस कहाँ पर है? वो क्या टेबल पे है सामने। ओ अच्छा, ठीक तो है। खा लेता हूँ। और उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। तुमसे एक बात कहूँ, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी सी नौकरी ढूंढ के अपने दादाजी को आराम की जिंदगी देना चाहती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे किक करो यहाँ। क्या? यहाँ जोर से किक करो। पूरा जोर लगा के। ठीक है, तैयार हो? तुम ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं? वैसे तुम्हारा स्टाइल बहुत अच्छा है और तुम्हें दम भी बहुत है, तुम शाओलिन कुंग फू सीख सकती हो। शाओलिन कुंग फू पर क्यों? मैं इस कला को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, शाओलिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना चाहती हूँ, और ये मेरे दादाजी का सपना भी था। अच्छा ये बात है, मैं सीखने की कोशिश कर सकती हूँ। सच कह रही हो? अगर तुम लैक्रोस सीखने का वादा करो तो। हाँ, मैं सीखूंगी। ये चलो। हाँ? लैक्रोस का क्या मतलब है? भविष्य पर अंधेरे का पर्दा पड़ा हुआ है, बिना डरे उसकी ओर चल पड़ो और तुम्हें रोशनी खुद ब खुद नजर आ जाएगी। रुकना मत, झिझकना भी मत, चुनौती का सामना करो, रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। अंदरूनी शक्ति को आजाद करो, मंजिल तुम्हारी होगी। मैं सही कान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूं, ओबा यूचिरो।
मैं अभी मौजूद स्टूडेंट्स और भविष्य में आने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि यही वो जगह है जहाँ आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, और यही वो जगह है लो तुम्हारा जहाँ आपके सपने पूरे हो सकते हैं। ये यहाँ क्यों आई है? इसका नाम क्या है? इसका नाम रिन है। पूरा नाम है रिन साकुराज़ावा। तुम लोगों की प्रैक्टिस देखने आई है। किस ग्रेड में पढ़ती हो? ये यहाँ नहीं है। कभी लैक्रोस खेला है? नहीं, पर मैं खेलना चाहती हूँ। और तुम सब शाओलिन कुंग फू सीखोगी ना? तुम्हें शाओलिन कुंग फू नहीं पता? वो क्या होता है? एक तरह का मार्शल आर्ट है। केंडो जैसा होता है? कराटे जैसा होता है? मैंने शाओलिन नाम सुना है। बड़ा अजीब सा नाम है ना? ऐसा नहीं है, इसमें पहनते क्या है? मुझे भद्दा यूनिफॉर्म पसंद नहीं है। कैसे बाहर प्रैक्टिस करते हैं? मुझे धूप में काला नहीं होना है। मेरे पास सनस्क्रीन है। हाँ, सनस्क्रीन लगाने के बाद बेसबॉल को मिस करती हूँ। चुप रहो। लैक्रोस वैसे भी बहुत मुश्किल खेल है, और हमारे पास किसी और खेल के लिए टाइम नहीं है। तुम्हें लैक्रोस नहीं खेलना? ये अचानक शाओलिन कुंग फू कहाँ से याद आ गया? हाँ हाँ, बताओ कहाँ से याद आ गया तुम्हें ये? तो बताओ क्या सोचा तुमने, लैक्रोस खेलना है कि नहीं तुम्हें? अब बातें बंद करो ना, चलो ना खेलते हैं। शायद इसे लैक्रोस के बारे में नहीं पता। फेंकते हैं। क्या करती है? क्या करती है? इस तरह मार के कोई फायदा नहीं। मारना ही है तो गोल की तरफ मार के दिखाओ। ठीक है, लो मारो। ये तो वाकई बहुत ही मुश्किल काम है। ये यहाँ कैसे फंस गया? बंद करो, बोल के बंद करो, बंद करो, क्या कर रहे हो? कोई है नहीं क्या? है कि नहीं? बोल के बंद करो। टास्क फोर्स 7 में जरूरत है कि और स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स खेलें। कुछ स्टूडेंट को चुन ले और उन्हें पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए कह दे। ठीक है। और बाकी सबका क्या हाल है? 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया है, उनका सारा पेमेंट भी आ चुका है। अभी तक की यही सिचुएशन है। थैंक यू। मीटिंग खत्म हुई, कार भेजो। कोई नए ट्रांसफर हुए हो तो मुझे उनकी रिपोर्ट चाहिए। जी बॉस, अभी देती हूँ। और इस मामले में सर अभी तक कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। वोटर ताकेशी कुरोसा की क्लास है, जिनकी उम्र 35 साल थी। उनकी तहकीकात से यूनिवर्सिटी में चल रहे कई घपलों पर से पर्दा हटने वाला था। अभी तक उनकी मौत के कारण का पता तो नहीं चल पाया है, पर जरूर ये दुश्मनों की कोई चाल लगती है। मांग की गई है कि सरकार इस घटना की पूरी छानबीन कराए। इस घटना में जैसे ही कुछ पता चलेगा आप क्या हो रहा है? ये सारे बॉल्स क्या तुमने मारे थे? जी हाँ, मैंने ही मारे हैं। तुमने डॉल्फिन को तोड़ दिया है। ये कौन? एडमिनिस्ट्रेशन से है। और तुम कौन हो? तुम्हें कभी देखा नहीं मैंने। क्या नाम है तुम्हारा? ये रिन है। किस डिपार्टमेंट से? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। तो तुम टीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती? रिन सर प्लीज इसे अप्लाई करने दीजिए ना। पता नहीं मारेंगे। जो इतना जबरदस्त शॉट मार सकता है उसे जरूर अप्लाई करना चाहिए। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इतना पी गया जबकि सुबह नहा के आया था।
लाइब्रेरी में बुलाया गया है। उस तरफ जाना है, चलो। अप्लाई करना बहुत ही आसान है। अब वो क्या है सर? वो एक स्पेशल ट्रेनिंग वाली जगह है, वहाँ बिना इजाजत के जाना सख्त मना है। काश मैं एक्स्ट्रा कपड़े लाया होता। पर वो तो स्टूडेंट नहीं है, तो कैसे खेल सकती है? उसने परमिशन के लिए अप्लाई किया है। कब से ऑर्डर दिया है, हमें कुछ खाने को मिल सकता है भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, रिन बहुत स्मार्ट है और वो अब से लैक्रोस खेलेगी। कहिए आपके लिए क्या लेकर आऊँ? शक्ति होने से अच्छा है कि शक्ति हो ही ना। बॉल की शक्ति को अपनी शक्ति से मिलाओ और फिर उसे ऐसे उछाल दो। टीचर आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या कहूँ, ये बड़ा दिलचस्प खेल है। ये लो मिनमैन। तुम सभी फिक्र मत करो, अब से मैं तुम लोगों का साथ दूंगा। तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत नहीं है। तब तो मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई ये है कौन? जो भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे मेरी लिपस्टिक कैसे लग रही है? एकदम परफेक्ट। इन्हें कोच की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कहिए ना। तुमने ठीक कहा। लड़कियों, अब से ये तुम्हारे नए कोच होंगे। दिवाय नाम है, मिलकर खुशी हुई। कल से शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय। तुम्हें पता है कि ईवाई कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, पागल कहीं का। ये सब क्या चल रहा है टीचर? आपने शाओलिन कुंग फू छोड़ दिया, लेकिन क्यों टीचर? चाइनीज खाना बनाने के लिए। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, जब दादाजी गुजरे तब भी मैं यहाँ नहीं आ पाई, क्योंकि मैं सख्त ट्रेनिंग ले रही थी। आप क्या चाहते हो, कि मैं उस सब पर पानी फेर दूं? ऐसे क्या खास बात है शाओलिन कुंफू में? हाँ, ऐसा तुम क्या कर सकती हो जो मैं नहीं कर सकता? आप में ज्यादा ताकत है। इसमें कुछ नहीं रखा है, बस मारा मारी है, खून खराबा है, और अब मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ।
फू सिखाओगी प्लीज? पर टीचर ने तो कहा मुझे नहीं सिखाना चाहिए। तो तुम मुझे चोरी छिपे सिखा दो। सच्ची? शरीर के निचले हिस्से की ट्रेनिंग से ताकतवर और फुर्तीले बनते हैं, इसलिए निचले हिस्से को स्ट्रांग करना चाहिए। कंधे से हाथ सीधा रखो, यहाँ पर फोकस करो और फिर पूरी शक्ति से पंच करो। ये शक्ति तुम्हें बुलेट जैसी तेजी आती है, ऐसे। इस तरह सर के बल खड़े रहने से खून सर की ओर जाता है, इससे दिमाग की शक्ति बढ़ती है और दिमाग शांत भी होता है। अपनी शक्ति को पहचानो और उसे बढ़ाने की कोशिश करती रहो। अब पोजीशन ले लो और मैं जैसा करती हूँ वैसा करो। रेडी? एक और बार करें? हाँ। शांत और सीधी खड़ी रहो, लंबी सांसें लेती रहो, फोकस करो। ये एक्सरसाइज सबसे मुश्किल है पर बहुत फायदेमंद भी है। तुम ये कब से कर रही हो? जब से इस दुनिया में आंखें खोली हैं। तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम्हें वुशु इतना पसंद क्यों है? मैं नहीं जानती, पर हाँ बहुत पसंद है। कभी भी इससे बोर नहीं हुई हूँ मैं, इसी से तो खुशी मिलती है मुझे, अंदरूनी खुशी मिलती है। लेकिन शाओलिन कुंफू तो एक लड़ने वाली कला है ना? गलत कह रही हो तुम, ये खुद की हिफाजत के लिए है, इसे सीखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं इसे सीखना चाहती हूँ। मेरा यही तो मकसद है मिनमिन, कि मैं शाओलिन कला को और आगे बढ़ाऊं, बहुत सारे लोगों को सिखाऊं। यहाँ सिखाओगी? हाँ यही सिखाऊंगी, यही मेरा घर है, शुरुआत तो यहीं से होगी। घर? हाँ ये मेरा घर है और मैं यहाँ लौट कर आई हूँ। मैं घर आ गई। मैं घर आ गई। घर में स्वागत है। दो दिन पहले हमें एक एप्लीकेशन मिली है, शाओलिन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट से एक ग्रेजुएट आई है जो अब लैक्रोस टीम का हिस्सा है। सुना है वो बहुत ही अच्छा खेलती है। टीम ने कंपटीशन में हिस्सा लेने की गुजारिश की है, अब उनके पास एक नया कोच भी है। बीच वॉली टीम भी खेलने के लिए बाहर जाना चाहती है, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है। उन्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि अगर उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिलता है तो वो अपने देश को निराश नहीं करेंगी, वहाँ से जीत कर वापस आएंगी। चलो घुटने मोड़ो, ऐसे अपने शरीर की सीध में ऐसे पकड़ो और फिर प्लीज फोकस, बहुत जरूरी है, सिर्फ ताकत से काम नहीं बनने वाला। इसलिए सबसे जरूरी है कि अपने अंदर फुर्ती लेकर आओ, उसके बाद देखना इस बॉल को इसकी मंजिल तक पहुंचने में जरा भी गलती नहीं होगी। रिन, इसमें बड़ा मजा आ रहा है ना? हाँ, ये तो शाओलिन कुंग फू के बेसिक्स हैं। अब ध्यान से देखो। hey, तुम जरा यहाँ आओ। क्या हुआ? स्टैंडिंग ज़ेन, ऐसे ही रहना और कुछ मत करना। ओके, कंधे मजबूत होने चाहिए, बॉल फेंकते वक्त कंधे को सीधा करना, ये शक्ति बॉल को बुलेट की तरह फेंकेगी। ये देखो। शरीर के निचले हिस्से पर भी ध्यान देना जरूरी है, यही तुम्हारी स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है? यही तो शाओलिन कुंग फू है। तो चलो मिनमिन, हाँ। तुम कोशिश करके दिखाओ, ये लो। ओके। सबको मौका मिलेगा, चलो अब लाइन में खड़ी हो जाओ। अगर प्रैक्टिस क्लास में जीतना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। सब जीत, चलो भाग जाओ।
नजारा है। हाँ कितना बढ़िया है, क्या बात है चीफ। क्या क्या कहा तुमने चीफ? हैं? मैं कोई चीफ नहीं हूँ, मैं कोई चीफ नहीं हूँ। हाँ बहुत क्यूट लग रहे सच में। ये पहनना जरूरी है क्या? ये पहनकर मैं नहीं खेल पाऊंगी। तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे छोड़ो मैं। चलो अब सब ध्यान से सुनो। जी सर। रिन तुम यहीं रहोगी। लेकिन क्यों? तुम्हारी वजह से ये हार सकते हैं इसलिए। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये बहुत अच्छा शूट करती है, इसे खेलने दीजिए ना सर, वरना हम हार जाएंगे। मैंने ना कहा मतलब ना। चलो अब सब आगे बढ़ो। चलो ये क्या, रिन को खेलने से मना कर दिया? हाँ वही तो, पर ऐसा क्यों किया? अच्छी लग रही है, यूनिफॉर्म काफी क्यूट है। मैच पे खेल दो ना। SIU और OU के कॉलेज के बीच की प्रैक्टिस मैच शुरू की जाती है। थैंक यू। जाते पर ये लोग भी अच्छा खेल रही हैं। बहुत फुर्ती आ गई है इनमें, आपने काफी मेहनत की है जी। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं चीफ नहीं हूँ। ब्रेक टाइम। चलो तुम ठीक हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप मुझे खेलने क्यों नहीं दे रहे? तुम एक अच्छी भली टीम को बर्बाद कर सकती हो रिन। जी नहीं, मैं बहुत अच्छा खेल सकती हूँ। कैप्टन मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है जाओ। क्या बात है, अब तो हम जरूर जीतेंगे। और रिन खेलने के लिए जा रही है। क्या बात है, ये हुई ना बात, मजा आएगा। रिन अच्छा खेलती है, ये बहुत बढ़िया हुआ जी, बहुत बढ़िया। तुम ऐसा जानबूझकर कह रहे हो ना? Oh,
टीम वर्क की कमी है। सही कहा, टीम वर्क की कमी है। बहुत बढ़िया जी। कम ऑन कम ऑन, ए जल्दी जल्दी कॉल करो। कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। अगली बार और मेहनत करेंगे। ये सब प्रैक्टिस मैच था, टूर्नामेंट तक हम बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे, है ना दोस्तों? मैंने अच्छा खेला ना? तुम्हें अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम बहुत ही फास्ट खेल रही थी और हमारी ओर तो फेंक ही नहीं रही थी। ये तुम्हारी अकेले का खेल नहीं है, और हम सब ने मेहनत भी बहुत की थी। हाँ, तुम्हें हम पर भरोसा ही नहीं है क्या? तुमने हमें बॉल ही पास नहीं किया। सबसे पहले तो तुम सबको अपनी टीम में एकता दिखानी है, याद रखो। अगर तुम्हारे बीच एकता नहीं होगी तो किसी भी टीम के लिए तुम्हें हराना बहुत आसान होगा। गेम पर फोकस करो, एक दूसरे पर ध्यान दो और चौकन्ने रहो। तुमने ठीक कहा। इस लड़की ने सब सत्यानाश कर दिया, सब इसकी वजह से। मुझे तो चोट भी लगी। ये नहीं होती तो शायद हम जीत भी जाते। मेरा ये करने का मकसद नहीं था। तो क्या मकसद था तुम्हारा? हाँ, तुम्हारी वजह से आज ये हार गए। अब से तुम टीम में नहीं खेल सकती, समझी? मुझे एक और मौका दीजिए, मैं इस बार। टीम वर्क, कुंफू और इस गेम में टीम वर्क के क्या मायने हैं? तुम अभी ये सभी लोगों को बताओगी। कुंफू में टीम वर्क नहीं होता। और तुम कुंफू ही सिखा रही थी, तुम्हारी वजह से हम आज हार गए। हाँ ठीक कहा, मुझे टीम वर्क का मतलब नहीं पता। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो अब घर जाओ। क्या फायदा हुआ है किसी लड़की वजह से हुआ है, उसकी फायदा क्या हुआ है? Thank you.
ठीक है? जवाब हाँ है। चलो प्रैक्टिस करो। क्या चल रहा है? अभी तक खाना ही खा रही हैं? हाँ, पर मुझे अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिक्र मत करो, जोश और जुनून जरूरी है, ये बात तो तुम जानती होगी। जानती हूँ, ये बात मैंने बहुत अच्छी तरह सीख ली है। सुनो रेन, कहिए। जानती हो कि तुम्हें चाइना क्यों भेजा गया? ताकि मैं दादाजी जैसी बन सकूं? नहीं, तुम्हारी आत्मा की वजह से। तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्ति है। तुम्हें शाओलिन भेजा गया ताकि तुम इसे कंट्रोल करना सीख लो। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा।
नहीं चाहती। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम लड़ क्यों नहीं रहे हाँ? तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मुझे दर्द नहीं होता। तुम उसकी ताकत को क्यों आजमाना चाहते हो? हा? कई साल इंतजार किया है मैंने। मैं उसके साथ मुकाबला करना चाहता हूं। रिन से दूर ही रहो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। प्लीज उससे दूर रहो, उसे अकेला छोड़ दो। बड़ा रखवाला बन रहा है उसका। शाओलिन कुंग फू लड़ने का हथियार नहीं है। अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यही नियति है।
लड़ना चाहती तो मैं उसे मजबूर कर दूंगा। रुको, रुक जा। जो भी उसे प्यारा है उसे खत्म करना होगा, उसके अंदर के गुस्से को बाहर निकालना। बॉस यहाँ पर नहीं है। ओ, मेरे लिए कुछ तो बना दो। चलो भी। अच्छा तो क्या अंडा चलेगा? अंडा वंडा नहीं खाना, कुछ सूप वूप बनाओ यार। फ्राइड राइस? नहीं नहीं, सूप ही चाहिए। चूहा बिल से बाहर आ गया है, हमें यहाँ से जल्द जाना होगा। अरे ऐसी हालत में? मैं ठीक हूँ। हटाओ इसे, ये नहीं खाना। अच्छा, अरे मुझे मिल गया। क्या मिल गया? अंडा खाओगे? अंडा नहीं खाना, खाना जो क्या पका रहा है, खाना पका खाना, मुझे नहीं। उस वक्त मैंने शाओलिन के नियम तोड़े थे और इसीलिए मैंने खुद को सजा दी और इससे दूर रहा। रिन, तुम नहीं लड़ोगी, मैं लड़ूंगा।
क्योंकि तुम्हारी ताकत बहुत खतरनाक है। तुम्हें बुला रही है रेन, पर एक बार तुम उसमें फंस गई तो निकलना नामुमकिन है। बॉस, बॉस, उन्होंने होटल जला दिया। बॉस, उन्होंने होटल जला दिया। क्या हुआ? होटल जला दिया। काले कपड़े वाले लोग आए थे, वो मिन मिन को उठा कर ले गए। क्या कह रहे हो? वो फाइटिंग क्लब के लोग हैं। पर आप सबको क्या हुआ? आप लोग ठीक तो हैं? आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। अताशे, मीमी उठा उसके निकल। दामिदा, आई तुम लोगों की बोला। सेंसे, से। अताशे आ तत्काल ने अमीनी वाच मायो। डटे, अताशे वो मामोट्टे करेते इतने हितों तज़िगा इरु करा। तत्काउ तो का तत्काउ नाई तो का दो दे मोई। शोरिंग के ओ हमोनी नाता ते कमावा ना। इमा 大切だと思う人、私も守りたい。それが間違っていても後悔しません。先生だって私にそうしてくれていたじゃないですか。
कुंग फू सिखाने ही आए थे पर खाने में लचकर रह गए। मेरा दिमाग घूम गया है, अब मैं सबको भगा दूंगा। Ah!
रुको। रेन, तुम तो वाकई कमाल की हो, बहुत इंतजार किया। मैं हमेशा से तुम पर नजर रखता रहा। सवाल बड़ा दिलचस्प है तुम्हारा। बस जानना चाहता हूं कि हम में से ज्यादा ताकतवर कौन है। Yeah!
स्वागत है। क्या तुम देख पा रहे हो? चमचमाती रोशनी, ऐसी जगह जहां गर्माहट है, सारी आवाजें धीमी हैं, परछाइयां, अंतरिक्ष, डूबता हुआ सूरज, धीमी धीमी धुन, ये सब तुम्हें कुछ याद दिला रहा है? एक लंबा रास्ता अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने का, क्या तुम सुन पा रहे हो? मीठी धुन, क्या तुम देख पा रहे हो? प्यार ही प्यार। याद है तुम्हें, सुनाई दे रहा है तुम्हें, एक अलग दुनिया, बहुत ही सुंदर दुनिया, जहां सब कुछ शांत और सुंदर है।
क्या आप सब ठीक है? अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। सर रिन अभी तक